चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है हिमनद झीलें, जोखिम और समाधान। यह विषय इन दिनों में काफी चर्चा में है। कारण है उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशी मठ में ग्लेशियर के फटने से बाढ़ की स्थिति का उत्पन्न होना। इसकी वजह से अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गई थी। उत्तराखंड में इस आपदा के पीछे संभावित कारण क्या है? वैसे तो इस आपदा के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हिमनद से कोई घटना घटी होगी। 2 सप्ताह पहले यानी कि कुछ दिनों पहले ही वहां पर बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी होने के बाद वहां मौसम एकाएक सामान्य हो गया, धूप निकल आई और तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने की वजह से वहां पर हिमनदों पर जो ग्लेशियर्स पर बर्फ थी वो पिघल गई और हिमनद थोड़े पीछे हो गए, जिसकी वजह से वो पिघली हुई बर्फ नीचे चलने लगी और अपने साथ वहां मौजूद मलबे को इकट्ठा करके बहुत बड़ी मात्रा में जब नीचे आई तो इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई हो सकती है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि इस वर्ष इस समय क्या इस तरह की स्थिति का उत्पन्न होना सामान्य है या असामान्य है? तो इस पर ये कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल भी असामान्य नहीं है। इस तरह की घटनाएं वहां पर बार बार होती रही हैं, लेकिन ये बात अलग है कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता और वो ऐसी जगह पर होती है जहां लोगों की उपस्थिति बहुत कम होती है। इन घटनाओं की मात्रा उच्च श्रेणी में होती है, ये दूर दराज के क्षेत्रों में होती है जहां किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता, इसलिए समाचारों में भी कम ही बनी रहती है। दरअसल इस तरह की घटना में क्या होता है कि अगर बर्फबारी के बाद अचानक तापमान बढ़ जाता है तो एकाएक बर्फ के पिघलने से वो नीचे की तरफ ढलान की तरफ चलने लगती है और अपने साथ वो बहुत सारा मलबा लाती है। इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं और जान माल का नुकसान वहां होता है जहां लोग ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसा कि इस घटना में भी हुआ। कोई भी घटना किसी एक कारण से नहीं होती, कई सारे कारण एक साथ आकर मिलते हैं तब वो घटित होती है। जैसे कि इस घटना में भी हम ले सकते हैं, पहला कारण बर्फबारी का होना, दूसरा कारण तापमान में अचानक बदलाव होना, तीसरा कारण जहां पर ये बदलाव हुआ वहां मलबे का बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद होना, और ऐसे में जब बर्फ खिसकना शुरू होती है तो अपने साथ उस मलबे को भी लेके आती है और रास्ते में जो भी बड़ी चीज़ें आती हैं, एग्जाम्पल फॉर अगर वहाँ कोई बस्ती बसी हुई है, कोई बांध है, कोई डैम है, कोई योजना चल रही है, तो उन सबको बहुत इससे नुकसान उठाना पड़ता है। यही इस घटना में भी हुआ। इस घटना के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक दल अभी वहाँ पर मौजूद है, वो इस स्थिति का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसका एक उचित कारण बताएंगे। लेकिन ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक दल का पहुँचना बहुत कठिन होता है, ये दुर्गम इलाके होते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद भी उस स्थिति और परिस्थिति में अध्ययन करना और भी कठिन होता है। उत्तराखंड में 1000 से ज़्यादा ग्लेशियर हैं और इन सभी ग्लेशियर्स में पुनरावृत्ति देखी गई है, अर्थात ये या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। यहाँ पर मलबा भी बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है जो कि झीलों के निर्माण में सहायक होता है। वर्षों से इन झीलों के गठन में भी बढ़ोतरी या घटोतरी देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड में कई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बाढ़ घटनाएं नहीं हो रही हैं। इसका कारण ये है कि उत्तराखंड में ढलान काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से वो नदियों के रास्ते भी वहाँ पर उपलब्ध हैं और ये जो बर्फ़ पिघलती है उससे वो अपना रास्ता बना लेती है। लेकिन खतरा ये है कि यहाँ जो झीलें हैं, हिमनद झीलें, वो 1200 से अधिक हैं और उसमें से बहुत सारी या तो आकार में छोटी हो रही हैं या आकार में बढ़ रही हैं। ऐसे में वहाँ स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है, तो यहाँ करना क्या चाहिए कि इन झीलों का नियमित रूप से निगरानी इन झीलों की करनी चाहिए और उन दरों को मापना चाहिए कि किस दर से वो घट रही हैं और किस दर से वो बढ़ रही हैं। उनका उस डाटा का उपयोग स्थिति को संभालने में किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो मूल्यांकन है वो नियमित रूप से अपडेट होता रहना चाहिए, और इससे भी क्या होगा कि जो ये प्रक्रिया है वो नियोजित हो जाएगी, एक्सरसाइज में आ जाएगी, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को
घटित होने से पहले ही रोका जा सकता है। यहाँ मैंने बहुत सी चीज़ें बताई कि ये किया जाना चाहिए, एक दर का आंकलन किया जाना चाहिए कि कितनी दर से झीलें और ग्लेशियर घट पड़ रहे हैं, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो क्या ये सब नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो फिर उस पर हमें अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है, इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे वैज्ञानिक दल काम कर रहे हैं, हर बार डेटा इकट्ठे किए जाते हैं और उन डेटाओं का जो है ठीक से उनको उपयोग में नहीं लाया जाता। हम कह सकते हैं कि यहाँ मुख्य समस्या समन्वय की है, यानी कि कोऑर्डिनेशन की है और फोकस की कमी है। बहुत सारे ग्लेशियोलॉजिस्ट यानी कि जो ग्लेशियर का अध्ययन करते हैं, जियोलॉजिस्ट जो भूगर्भ विज्ञान से संबंधित हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट जो कि जल की स्थिति का आंकलन करते हैं, गणितज्ञ मॉडलर यानी कि जो आंकड़ों का आंकलन करते हैं कि किस अनुपात और किस तुलना में कैसे आंकड़े हैं, रिमोट सेंसिंग लोग जो सैटेलाइट डाटा इत्यादि का उपयोग करते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक और बहुत कुछ वहाँ पे ऐसे संगठन हैं जो इन सब पैमानों के आधार पर वहाँ आंकलन करते हैं। बावजूद इसके कोई वैज्ञानिक समूह और संस्थाएं ऐसी नहीं हैं जो इसके लिए सुसंगत डाटा या आउटपुट निकाल के दे सके, यानी कि भटकाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देता है। हर साल बहुत सारे डाटा उत्पन्न किए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग ठीक से नहीं किया जाता। लगभग 8 से 10 वैज्ञानिक दल जो हैं यहाँ पर काम करते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर जो आवश्यकता है एक बहुत ही सख्त राष्ट्रीय एजेंसी की, जो इन सारे वैज्ञानिक दलों सभी संगठनों से जो उपलब्ध डाटा है उन सब का अनुसंधान में उपयोग कर सके और इन सब चीज़ों का परिचालन ठीक से कर सके, चीज़ों का समन्वय ठीक से कर सके, चीज़ों पे फोकस कर सके, ताकि हमें बेहतर रिजल्ट इस पे मिल सके। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या जल विद्युत बांध इस तरह की आपदा को लाने में सहायक सिद्ध होते हैं या इनकी कितनी भूमिका होती है? तो यहाँ पर भंडारण बांध तो नहीं बनाए जा सकते इस तरह के क्षेत्र में, यानी कि वो वाले बांध जिनमें पानी रिजर्व करके रखा जाता है, लेकिन हाँ यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं नदी के प्रकार और वहाँ की स्थिति परिस्थिति और सही तरीके से अगर बनाई जाए तो वो वहाँ पर बनाई जा सकती है, लेकिन बांध नहीं बनाए जा सकते। जब भी किसी परियोजना के लिए DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ों का आंकलन किया जाता है, जैसे कि इसमें कई सारे अध्ययन शामिल होते हैं, जैसे पर्यावरणीय आंकलन इसमें होता है कि किस तरह का एनवायरनमेंट जहाँ पे हम परियोजना बनाने वाले हैं उसके इर्द गिर्द है, फिर ये देखा जाता है कि नदी का प्रवाह कैसा है, प्रदूषण की स्थिति कैसी है और वन कितने और किस प्रकार के हैं। ये सारे आंकलन किए जाते हैं परियोजना को बनाते समय, लेकिन एक आंकलन नहीं किया जाता यानी कि ग्लेशियोलॉजी इस DPR में शामिल नहीं होता। ये बहुत ही भारी दोष है, बहुत बड़ी कमी है, इसका शामिल होना बहुत ही आवश्यकता है। क्यों ज़रूरी होता है ये भी देख लेते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पर्यावरणीय आंकलन में भूस्खलन और हिमनद की आवर्ती, झीलों के ऊपर की ओर बनने की संभावना, ग्लेशियरों में बर्फ कितनी मात्रा में है, ग्लेशियर आगे हट रहे हैं या पीछे की तरफ हो रहे हैं, ये सब बातें, और जिस दर से उनमें बदलाव हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा या ध्यान देना चाहिए। इसी की जानकारी के बाद इस तरह की परियोजनाएं उन क्षेत्रों में बनाई जानी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को भी उसमें शामिल करने की आवश्यकता है। इसकी बुनियादी जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ का ग्लेशियोलॉजिकल जो नज़रिया है वो कैसा है। अब हम बात करेंगे इस तरह की आपदा के समाधान और उन समाधानों को अपनाने में जो चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं उन पर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, इसरो और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाते हैं हर साल। उनके पास रिपोर्ट्स भी होती है, डेटा भी होता है। इन रिपोर्टों को एक साथ रखने, एक डेटाबेस बनाने की ज़रूरत है, यानी कि इनके समन्वय की ज़रूरत है, और इससे एक साल के भीतर ही इन मामलों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इस प्रकार की घटनाओं को पूरी तरह से रोकना तो संभव नहीं है,
लेकिन अगर इस तरह के प्रयोग हम करेंगे तो इनकी पुनरावृत्ति को थोड़ा कम किया जा सकता है, इनके खतरों को कम किया जा सकता है और जान माल के नुकसान को भी काफ़ी हद तक सीमित किया जा सकता है। जैसे भारत का सबसे बड़ा हिमनद लोनार झील इसका सबसे समृद्ध और अच्छा उदाहरण है, जो कि सिक्किम में स्थित है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि लोनार झील का जो पानी था उसको एक निश्चित दर पर वहाँ से निकालकर दूसरी जगह पर भेजना शुरू किया, यानी कि वहाँ पर इस पानी को नदी के माध्यम से दूसरी जगह पर भेजने का इन्होंने तरीका खोजा। इससे इसे करने से क्या फ़ायदे हुए कि वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना कम हो गई और जो झील पर दबाव की जो असहनीय स्थिति थी वो सीमित हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह के समाधान उत्तराखंड में भी लागू किए जाने चाहिए, लेकिन वहाँ चुनौती ये है कि वहाँ 1000 से अधिक झीलें हैं और प्रत्येक पर ये समाधान लागू नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आवश्यकता ये है कि प्रत्येक ग्लेशियर और प्रत्येक झील का अलग से आंकलन किया जाए, उस पर अच्छे से अध्ययन किया जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए और उनकी स्थिति और परिस्थिति को जानते हुए अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग समाधान खोजे जाने चाहिए। जो अधिक जोखिम वाली है उसको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए और जहाँ कम जोखिम है उसको उस तरीके से, जो ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं उनको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए और जो कम खतरनाक हो सकती हैं उनको बाद में प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस तरह के उपाय हमें करने चाहिए ना केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में, क्योंकि इस तरह की घटनाओं ने उत्तराखंड की तरफ हमारा ध्यान इसलिए आकर्षित किया है क्योंकि वहाँ पर घटना घटित हो चुकी है। हमें नहीं पता कि इस तरह की घटनाएँ कब कहाँ किस हिमालयी क्षेत्र में घटित हो जाएँ, इसलिए इस पूरे क्षेत्र पर इस तरह के समाधान की मूल्यांकन की समन्वय की बहुत अधिक आवश्यकता है। चलिए अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, ग्लेशियर फटने की घटना हाल ही में किस नदी नदियों से संबंधित है? विकल्प ए गंगा नदी, विकल्प बी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां, विकल्प सी अलकनंदा और इसकी सहायक नदियां, विकल्प डी भागीरथी नदी। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी कि कथन 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.